हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन. वी विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स. वी विल ट्राई टू लर्न दैट हाउ टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अ नंबर विथ अ रिग्रुपिंग कॉन्सेप्ट. ओके. Yes, remember that in our last class we studied that how to subtract numbers horizontally and vertically. और जो आज पढ़ेंगे वो horizontally vertically regrouping concept के साथ कैसे आपको subtract करना है वो चीजें सीखेंगे. तो क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी रिवाइजिंग ऑल दो थिंग्स, जिससे जो लोग भूल चुके हों. कई दिन बाद आज क्लास शुरू हो रही है, छुट्टी हो गई थी बीच में, तो दैट वो रिवाइज हो जाए. बेटा खुशी अपना प्लीज माइक बंद कर दो, आपने खटर पटर से बहुत आवाज आ रही है. आप कोई पेज पलट रही है, फोन आपको गिर रहा है, ऐसा ना हो. रोमेश वो सृष्टि श्रेयांक आप यहाँ पे भी, जिसके आप फोन बेटा ना प्रॉपरली प्लेस हो तो आप फोन सही करते हैं, गिरता है, कॉपी पलटते हैं, वो सारी आवाजें आती हैं, तो उससे काफी डिस्टर्बेंस होता है, ऐसा ना हो. आप माइक बंद रखें, जब आपसे पूछा जाएगा तो माइक ऑन कर लीजिएगा. So I will start from the beginning, that is what we have studied in our last class as well. In our last class we started that there are, let's say, two numbers. One number is the 48 and the second number is the, let's say, the first number is the 45 and the second number is the 32. If you need to minus 32 from 45, agar aap 45 mein 32 subtract karna chahein, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का निशान यूज करते हैं या माइनस का निशान? व्हिच साइन बी यूज फॉर द सब्ट्रैक्ट? माइनस का निशान यूज करेंगे. क्या होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या होता है? घटाना मतलब क्या होता है? कम करना. कई लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस. नहीं, माइनस तो एक चिन्ह का निशान है, इस चिन्ह का नाम है, दिस इज माइनस. इसका मतलब ये नहीं हुआ कम करना, ये माइनस चिन्ह का नाम है. सब्ट्रैक्ट मतलब होता है कम करना या घटाना, दोनों एक ही चीज है. घटाना मतलब जितना भी है उससे घटा दो, कम कर दो. अब ये 45 था, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 32. आप लोगों ने बताया फॉर द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए आप प्लस नहीं माइनस का चिन्ह यूज करते हैं, तो बीच में माइनस लगा देंगे. इसका मतलब क्या है, 45 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना है. ये चिन्ह बताएगा कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ये माइनस का मतलब ये है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या बोला गया था, आप लोग को क्या बताया गया था? वंस में से वंस माइनस करेंगे, टेंथ में से टेंथ माइनस करेंगे, हंड्रेड में से हंड्रेड माइनस करेंगे. आपको प्लेस ऑफ नंबर्स बताया गया है ना? यस सर. यस सर. आप मुझे बताए फाइव कौन सी प्लेस पे है? फाइव कौन सी प्लेस पे है? कौन सा बच्चा हंड्रेड बोल रहा है? फाइव बेटा, ये 500 प्लेस में है, ऐसा कौन बोल रहा है? जरा हैंड रेज करिए. ये 5 कौन से प्लेस में है? अरण्या सिंह आप बताइए. फाइव अरण्या कह रही है 1 प्लेस पे है. जरा खुशी आप बताइए, बेटा ये 5 कौन से प्लेस पे है? खुशी सर 5 सर 100. यस, खुशी बोल रही थी 100. बेटा 100 प्लेस पहले, सबसे पहले 100 प्लेस ही आएगा या पहले वंस आएगा? क्या पढ़ाया गया था आपको? सभी लोग शांत रहेंगे, केवल खुशी बोलूंगी. अभी खुशी को बताने दीजिए, बाकी लोग शांत रहेंगे. खुशी आप बताइए बेटा. यस सर. पहले वंस आएगा या हंड्रेड आएगा या टेंथ आएगा, क्या आएगा? पहले वंस आएगा.
था। वंश के बाद क्या आएगा खुशी? टेंस। वंश के बाद टेंस आएगा, टेंस के बाद सर हंड्रेड। तो जरा ये मुझे बताइए, अगर मैंने एक नंबर लिख लिया फाइव, तो मैं पूछू ये कौन से प्लेस पे है? तो कौन से प्लेस पे जरा कौन से कौन से प्लेस पे? मान लीजिए फाइव के बजाय मैंने 52 लिख दिया, फाइव के जगह मैंने 52 लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए ये वंस टेंस काउंट करेंगे फाइव की तरफ से या टू की तरफ से? सबसे पहले वंस किधर आएगा, फाइव की तरफ या टू की तरफ? सर टू। सर फाइव। ठीक है, मुझे एक बार कंफर्म करने दीजिए बेटा, कौन सा बच्चा बोल रहा है कि फाइव की तरफ से वंस आएगा? इधर से अमन टेन हंड्रेड ऐसे ऐसे काउंट किया जाएगा, ऐसा कौन सा बच्चा बोल रहा है? विदांत आप यहाँ बहुत खटर पटर आज हो रहे हैं, मैं बाहर कर दूं। अरे विराज विदांत आप लोग ग्रेड से ज्वाइन किए हैं बेटा, मुझे बाहर करना पड़ेगा। आदित्यराज आपको, आदित्यराज आपका माइक बंद करिए। बात किया जा रहा था 52 में ये 5 की तरफ से वन टेंस कम किया जाता है या 2 की तरफ से? कई सारे बच्चों ने बोला 5 की तरफ से, कई सारे बच्चों ने बोला 2 की तरफ से। जिन्होंने बोला 5 की तरफ से वो रॉन्ग है, जिन्होंने बोला 5 की तरफ से दे आर रॉन्ग। आपका हमेशा वन टेंस हंड्रेड आपका 2 की तरफ से राइट हैंड साइड से, आप उधर से इधर आएंगे ऐसे। वन देखिए क्या होगा, वन के इधर थोड़ा टेंस लिखेंगे, टेंस इधर लिखेंगे, हंड्रेड इधर लिखेंगे, थाउजेंड इधर लिखेंगे। उसी तरह काउंट भी तो करेंगे, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, जो भी काउंट करना है ऐसे तो करेंगे। तो चलो फोर्टी फाइव में पूछा फाइव कौन से प्लेस पे, तो खुशी ने बोला हंड्रेड। खुशी बताइए क्या ये हंड्रेड प्लेस पे, कौन से प्लेस पे जरा बताइए खुशी? सर सर हंड्रेड। ये बेटा क्या आप सुन रही हो, आप पढ़ रही हो, ये सबसे पहले हंड्रेड ही आएगा, ये हंड्रेड प्लेस पे, वन प्लेस पे क्या है ये कितना लिखा है, सर कितना लिखा है ये? सर फोर्टी फाइव। इस फोर्टी फाइव में वन कौन सा है, वन की जगह पे कौन सा डिजिट है ये बताइए? सर फोर। टेंथ की जगह पे, टेंथ की जगह पे क्या है? अगर ये वन है तो टेंथ कौन सा है ये बताइए? मम्मी बगल में बैठी है, सर थ्री बोल रही हूँ, उनकी आवाज आ रही है बट आप ध्यान नहीं दे रही हो। मम्मी की आवाज आ रही है मुझे बिल्कुल अच्छे से सुनाई पड़ रहा है, और मैं इतना ये सारा तुम्हें ही बता रहा था और तुम ही इसको गलत बोल रहे हो। वन फोर है ये, टेंथ की जहाँ पे क्या जरा बताइए? टेंथ क्या सर? फाइव। तब तुम तो कह रहे थे हंड्रेड की प्लेस पे, ये आप बोल रहे टेंथ की प्लेस पे, बताओ कौन से प्लेस पे है फाइव? सर टेंथ। टेंथ अभी भी गलत है, अब बताइए पहले वन आपका उधर आएगा या कौन सा नंबर आ रहा है? सर फाइव वंस, सर फोर टाइम्स। अभी आप वंस टेंस हमेशा उधर से होता है, उधर से शुरुआत होती है, पहले वंस आपके सबसे लास्ट में जो उधर है दैट इज अ वंस, इसके लेफ्ट में जो हंड्रेड थाउजेंड, तो ये फोर आप इधर आएगा टेंस उसके उधर जाएगा, इसमें इसमें वंस की जहाँ पे कौन सा नंबर है? खुशी को नहीं आता, बाकी सारे बच्चे सही बताए। खुशी जरा बताइए वंस आपका पहले इधर आएगा या टेंस? वंस टेंस हंड्रेड ऐसे आता है ना, पहले वंस आपका उधर फिर उधर टेंस फिर हंड्रेड, उसके इसी तरीके से वंस के लेफ्ट साइड में ना अगर आप देखेंगे आपकी तरफ वंस के लेफ्ट में टेंस आएगा, तो आप बता लो फोर वंस है तो इसके लेफ्ट में टेंस आना चाहिए, ये क्या है? वंस के राइट में क्या आता है? वंस के राइट में कुछ भी नहीं रहता। खुशी अभी ध्यान नहीं दे रही हो, मैं आपको भी बाहर करूं आदित्यराज की तरह। माइक ऑन करिए तुरंत, नहीं तो मैं बाकी बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं। टेंस। ये फोर कौन से प्लेस पे है? फोर कौन से प्लेस पे है?
सत्तन थाउजेंड थाउजेंड टेंस क्या करूँ बेटा? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बाकी बच्चों को ध्यान देता हूँ। बेटा आप ध्यान नहीं दे रही हो, आप खेल रही हो और आपकी वजह से काफी बेटा बाकी बच्चे माइक ऑन करें, बाकी बच्चे माइक ऑन करें। अनन्या सिंह बेटा आप बताइए जरा, ये 45 है, ये 5 कौन से प्लेस हैं? सर वंस। अच्छा वंस पे है। आनंद धर आप बताइए, ये 45 में अनन्या कह रही 5 वंस प्लेस पे है, बट जो खुशी थी वो बता रही थी ये 10th प्लेस पे है, एक बार कह रही थी 100th प्लेस पे। तुम बताओ ये कौन से प्लेस पे है? 5 वंस, आप भी वंस कह रहे हैं। चलो और बाकी लोगों से पूछते हैं। वेदांत अपना माइक ऑन करिए और वीडियो भी ऑन करिए। वेदांत आपको भी बात करना पड़ेगा, वीडियो बंद करके आप गेम खेल रहे हैं, मुझे पता है जो वीडियो बंद करते हैं वो खेलते हैं। मुझे बताइए ऑन द वन प्लेस इन दिसंबर? सब फाइव फाइव, इस वक्त फाइव जो है वन प्लेस पे है, कई लोग कह रहे हैं यस फाइव इज ऑन द वन प्लेस, जो सबसे बाद वाला नंबर रहता है इधर दादी जमान, उसके लेफ्ट में 10, फिर उसके लेफ्ट में 100, फिर उसके लेफ्ट में 1000, दैट मींस कि ये वंस होगा, उसके लेफ्ट में ये क्या होगा 10th होगा। 45 में 5 इज ऑन द वन प्लेस एंड 4 इज ऑन द 10th प्लेस। ठीक है अच्छी बेटा अनुष्का, जरा माइक ऑन करिए। अभी जिससे जिसका नाम ले सिर्फ वही बच्चे अपना माइक ऑन करें, नहीं तो बाकी लोग माइक बंद रखते रहे प्लीज, ऐसा ना हो आदित्य राजशेखर उसको भी बाहर करना पड़े। अनुष्का जायसवाल 32 में विच डिजिट इज ऑन द वन प्लेस बेटा? सर टू, टू इज ऑन द वन प्लेस। 45 में 5 इज ऑन द वन प्लेस एंड 32 में 2 इज ऑन द वन प्लेस। तो क्या बोला गया था आपको 45 में 5 इज ऑन द वन प्लेस लोगों ने बताया, 32 में 2 इज ऑन द वन प्लेस अभी आपने बताया। अभी वंस में से वंस को माइनस किया जाता है ना, तो जरा सृष्टि बेटा आप अपना माइक ऑन करिए। सृष्टि सृष्टि श्रेयांक माइक ऑन करके बताइए वंस में से, यदि वंस है, यदि वंस है तो 5 वंस माइनस 2 वंस इक्वल टू हाउ मेनी? बेटा 5 वंस माइनस 2 वंस इसमें से क्या माइनस करेंगे जरा ये बताइए। सर थर्टीन क्या 13 क्या होगा बेटा, क्या करने पे 13 आएगा ये मुझे बताइए। सर 5 माइनस 2 गए 3, 4 माइनस 3 गए 1। हाँ तो बताइए क्या होगा जरा मुझे फिर से बताइए। इसमें अच्छा ये बताइए इसमें वन प्लेस पे कौन सा और टेंथ प्लेस पे कौन सा डिजिट है ये पहले बताइए। प्रियांक बताइए सर वन प्लेस फोर है, सर फाइव, सर वन प्लेस सर फोर है, सर फाइव सर टेंथ है। अच्छा ये आपका वन है और इसके राइट में आपका टेंथ आएगा, ये वन फिर ये टेंथ ऐसे मिलते हैं यार, 1, 10, 100 ऐसे गिनते हैं। आप भी नहीं ध्यान दे रहे हो इसका मतलब, आप भी नहीं ध्यान दे रहे हैं दोनों लोग। और जरा ये बताइए 5 में से 2 कम कर देंगे तो कितना आएगा, जरा 5 फिंगर्स निकालिए, टेकआउट 5 फिंगर, टेकआउट 5 फिंगर 3। बट यू आर टेलिंग 13 बट, लेकिन आप 13 आप बोल रहे थे, अच्छा डायरेक्टली आप 45 से 32 पूरा माइनस कर दिए थे, आपको बोला था 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 वंस में से 2 वंस माइनस करेंगे 3 वंस, फिर 4 टेंथ में से 3 टेंथ माइनस करेंगे सब 1 टेंथ आएगा, तो दिस इज 13। आपको पूरा नहीं माइनस किया जाए, जो सुना करिए ध्यान से, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, वंस टेंस अभी मैंने बताया है, ऐसी गलती करेंगे अगर नहीं समझे वंस में से वंस टेंथ में से टेंथ तो गलती करेंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे ऑर्डेंटली। आप जो
माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, जो बच्चे वन टेंथ नहीं पहचान पा रहे हैं वो 45 माइनस 32 ऐसे तो कर लेंगे, ऐसे तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आपका हॉरिजॉन्टली आएगा तो उसमें गलती कर जाएंगे जहां बड़ा बड़ा नंबर होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, आप लोग क्लास सेकेंड में है, आप लोग को 1100 समझना चाहिए बेटा। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया 5, 4, 3, 2, 5, अब फाइव डिजिट नंबर इज दिस, ये इतना बड़ा नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, फाइव डिजिट का नंबर है। अब इसमें वन कौन सा, वन सबसे पहले मान लीजिए 5 के बजाय 7 में कर दूं, आप कंफ्यूज ना हो, जिससे इसमें वन की प्लेस में कौन सा डिजिट है, तो कुछ लोग कहेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन वन टेंथ की जब बारी आएगी तब आपको अपोजिट साइड यानी इधर से लास्ट वाले डिजिट से आपको शुरू करना पड़ेगा। ये आपका 1, ये आपका 10th प्लेस, ये आपका 100, दिस प्लेस विल बी द 1000, एंड 1000 के बाद क्या आता है 10,000, ये ध्यान रहेगा सभी को, क्यों ध्यान रहेगा, माइक ऑन करके बताइए। चलिए ठीक है, तो वन ठीक है, अगर मैंने पूछ लिया 326 यहाँ पे लिखा, अब मैं बोल रहा हूँ आपको पता वन से सबसे पहले आता है या सबसे बाद में वन से रहता है, ये बताइए, यहाँ से आप देखने बात क्या है, सबसे पहले या सबसे बाद में बताइए सर, क्या सर पूछ रहा हूँ, वन से जो है सबसे पहले आएगा सबसे बाद में आएगा, सर पहले कौन कह रहा है बेटा पहले, हाँ वेरी गुड, कौन कह रहा है पहले जरा है बताइए, वन सबसे पहले कौन कह रहा है जरा बताइए, हैंडल करिए ऐसे बहुत अच्छे, हाँ अंशु, अंशु बता रही है, अंशु की आवाज लग रही है, चलो ठीक है अंशु जरा बेटा माइक ऑन करिए अपनी, बाकी लोग माइक बंद करिए, अंशु अंशु माइक ऑन करिए, बेटा अंशु माइक ऑन करिए नहीं तो मैं क्लास से बाहर करूं, सर ऑन किए हैं, अभी आपने बोला तो अभी अब आपका पिक्चर आ रहा है बेटा, आपने बोला वंस पहले, जरा ये बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर इसमें है, सबसे पहले कौन सा नंबर है, 5 है या 7 है, सर सेवन, सेवन, अच्छा चलो ठीक सर पहले 5 है, पहले 5 है, तो ये बताइए जो सबसे लास्ट में आपका 7 है इसमें 5 वंस प्लेस पे है या 7 वंस प्लेस पे है, सर 7, तो ये बताइए सर 7 वंस प्लेस पर है, 7 हमेशा जो सबसे पहला नंबर होगा वो वंस होगा, वंस के हमेशा लेफ्ट साइड ही आपको आगे बढ़ रहा है, तो 326 में विच डिजिट इज ऑन द वंस प्लेस बताइए अंशु, सर 6 है, सर 6 बेटा, इसको किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, देखिए 1, 10, 100 हमेशा लास्ट यानी जो लास्ट नंबर रहता है वहां से शुरू होता है, 1, 10, 100 आपको कभी ऐसे इधर से मत लिखिएगा, अपोजिट साइड में डायरेक्शन में अपनी तरफ आना है, बिल्कुल 1, 10, 100, 1000, 10,000 इधर से ऐसे नहीं, ध्यान रखिएगा, ओके यस सर, कहने का मतलब यह है दो नंबर आपस में अगर आपको माइनस करने हैं 45 में से 32 आपको माइनस करना है, नंबर अभी लोग शांत रहिएगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए, मैं किसी से आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, जब मैं पूछूंगा नाम लेते तो ये बताइएगा, 945 में से 632 माइनस करना है, तो आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वंस में से वंस को माइनस करेंगे, कई सारे बच्चे 5 में से 6 माइनस करने लगते हैं, 9 में से 6 माइनस, ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले वन, वन कौन सा इसमें है,
नाइन है 45 में वंस कौन सा डिजिट है जरा बताइए, वंस कौन सा डिजिट है इस नंबर में? सर फाइव 632 में वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है विच इज वंस इन दिस नंबर? सर टू। आपको पता है वंस में से वंस माइनस करेंगे ना, मंथ में से टेंस टू नहीं करेंगे ना, तो इसमें जितना मंथ है इतना मंथ माइनस करेंगे तो कितना मंथ बचेगा? ये 5 मंथ माइनस 2 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ बताइए? सर थ्री मंथ। अब आपको पता है यहाँ पे दे यहाँ पे तो टेंथ तो उसके बाद लिखेंगे नहीं, उसके बाद लिखेंगे टेंथ, उसके पहले लिखेंगे ना, ये पता है ना? तो वंस जब आपको पता है उसके बाद टेंथ भी लिखना है, हंड्रेड भी लिखना है, तो आपको थ्री ऐसी जगह वंस आपको ऐसी जगह लिखना पड़ेगा कि इसके इधर टेंथ और हंड्रेड भी लिखने के लिए जगह बची रहे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहीं पर लिख दें, यहाँ पे थ्री लिख दें, जब टेंथ में से टेंथ माइनस करें, मान लो 4 टेंथ माइनस 3 टेंथ इक्वल टू 1 टेंथ होता है ना, तो 1 टेंथ आप इधर लिख दें, नहीं वंस के पहले टेंथ होगा, वंस विद टेंथ, वंस के लेफ्ट हैंड साइड में, वंस आपका ये है तो उसके लेफ्ट में इधर इधर लिखा जाना चाहिए ना, इसकी बात थोड़ा होगा, तो आपको ये जगह बचा के रखनी पड़ेगी, इसलिए आप दूर थोड़ा लिखिए। अब 945 इज ऑन द 10th प्लेस, विच डिजिट इज ऑन द 10th प्लेस बताइए? एक बार बताना है, दो बार नहीं, सिर्फ एक बार बोलेंगे, जो दो दो बार बोलते हैं उनको उनको भी बार करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार आंसर दीजिए, मैं सुन रहा हूँ बेटा, बार बार यही थ्री थ्री चिल्लाऊंगा तब बोलूंगा जब आप ही बोलते रहेंगे। अब आपको पता है 4 टेंथ में से कितना माइनस करना है, 3 टेंथ माइनस करना है, तो 4 टेंथ, अब टेंथ में से टेंथ माइनस करेंगे ना, अब टेंथ आप पहचान कह रहे हैं कि ये 4 टेंथ है, टेंथ यहाँ पे ये 3 है, 4 टेंथ माइनस 3 टेंथ इज इक्वल टू 1 टेंथ। आप मंथ में से वंस माइनस कर दिए, टेंथ में से टेंथ माइनस कर दिए, अब क्या बचा, कौन सा प्लेस बचा, वंस हो गया, टेंथ हो गया, अब हंड्रेड की बारी आई, किसकी, हंड्रेड, तो हंड्रेड प्लेस में कौन सा डिजिट है? सर नाइन सर 600 माइनस करना है, 900 में से 600 माइनस करना है, तो 900 माइनस 600 इक्वल टू हाउ मच? सर थ्री क्या थ्री क्या मंथ नंबर हंड्रेड में से 600 जब माइनस करेंगे तो 300 बचेगा, 100 में से 100 माइनस करेंगे तभी तो होगा, 600 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा, 300 बचेगा, 300। अब इसीलिए देखो क्या इसको बोलेंगे, 313 के अंदर 13 इज द डिफरेंस, जब इसको 945 ओके लेकिन बेटा कई बार ऐसा भी होता है आपको इसको डायरेक्टली मान लीजिए माइनस करना है। आप मुझे ये बताइए, कई बार आपको होता है जैसे कि 32 में से 22 में से आपको 18 माइनस करना है, कितना 18। अब ये बताइए 18 तो कंफर्म है ना, क्या आपके पास वैसे कि 5 चॉकलेट है? Yes, sir. तो सर क्या 5 चॉकलेट में से 10 चॉकलेट दे देंगे? क्यों, अगर आपके पास सिर्फ 5 चॉकलेट है तो क्या
मान लीजिए अगर आपके पास 5 pen है, लेट से आपके पास 5 pen है, मैं क्या बोलता हूँ 10 pen कम कर दूं, तो क्या 5 में से 10 pen कम कर पाएंगे या किसी को दे पाएंगे? कहने का मतलब ये है जो भी नंबर है उससे छोटा नंबर ही तो कम कर पाएंगे कि उससे ज्यादा भी कम कर देंगे? जितना आपके पास है उससे कम भी या उससे बराबर ही तो कम कर पाएंगे? अगर आपके पास yes, है, yes, जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप क्या कम करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना? मान लीजिए आपके पास मैं आपको दिया, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने बनाया 5 marbles आ गए, अब 5 marbles यहाँ पे है, मैंने कहा इसमें से 7 marbles कम कर दो, आप बोलोगे ठीक है 1 marble कम किया, 2 किया, 3, 4, 5 marble कम किया, हमने कहा नहीं 7 कम करो, आपने 5 से 6 तो कम किया, अब 6-7 कहाँ से कम करोगे जब आए ही नहीं इसमें, है कि नहीं? That means कि आप जितना नंबर है, जो भी नंबर है उससे छोटा नंबर या उससे बराबर का नंबर ही आप कम कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे या मतलब सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ओके? तो 22 में से क्या 18 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 22 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो सर, सर जरा ये मुझे बताइए 22 में से 18, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 2 में से, मैं ये बोल रहा हूँ 22 में से 18 क्या माइनस हो पाएगा? यस सर, ठीक है 22 आपका बड़ा नंबर है, बेटा वीडियो बंद करने के बजाय बेटा ऑडियो बंद किया करो, आप यहाँ पे जब किसी बच्चे की आवाज आए तो वीडियो बंद करने के बजाय ऑडियो बंद किया करिए, वीडियो बिल्कुल भी मत बंद किया करिए। तो आपको पता है 22 इज अ बिगर नंबर, 18 इज अ स्मॉलर नंबर, तो 22 में से 18 माइनस हो सकता है, 22 में से 24 थोड़ा माइनस कर देंगे, लेकिन अब इसको भी कभी बार माइनस करने के लिए कई बार जब आप करेंगे तो उसमें भी मुश्किलें आएंगी। क्या मुश्किलें आएंगी चलो करके देखते हैं क्या मुश्किलें आती हैं। डायरेक्ट नंबर 22 में से 18 माइनस हो जाएगा, अभी आप ही लोगों ने बोला कि 22 ज्यादा है 18 कम है, 22 से 18 कम है, दैट मींस की माइनस हो जाएगा, तो चेक करते हैं जब माइनस करते हैं तो वंस की बारी है, सबसे पहले वंस आपका क्या होगा, वंस इधर से लिखना शुरू करेंगे ना, ये वंस वाला कॉलम है यानी ये जो भी लाइन आएगा सब सर, ये टेंस वाला कॉलम है यानी इस लाइन में इस कॉलम में जो भी डिजिट पड़ेंगे दैट विल बी द टेंस। अब पहला नंबर 22 है, 22 में ये 2 जो है ये वंस पे है और ये वाला 2 टेंस प्लेस पे है, और दूसरा नंबर 18 है इसमें से ये 8 है ये वंस की कॉलम है यानी वंस है, ये टेंस की कॉलम है इसका मतलब ये 1 टेंस है, पहले नंबर में से इसको माइनस करना है, तो 2 वंस में से मैंने क्या बोला वंस में से वंस माइनस करना है, तो 2 वंस में से 8 वंस माइनस करना है, अब कैसे माइनस होगा, कम में से ज्यादा तो माइनस नहीं कर सकते ना, अभी आप ही लोगों को बताया गया 2 में से आप मुझे बोलिए नहीं बताना है किसी को, जो मैं पूछूंगा सिर्फ उतना बताना है, अनन्या सिंह जो मैं पूछूंगा सिर्फ उतना बताइएगा कि क्या 2 वंस में से 8 वंस माइनस कर पाएंगे? Yes, no, no. So, ये 2 वंस है, कम है तो उसमें से ज्यादा कैसे माइनस कर सकते हैं, तो 2 वंस को क्या बनाना पड़ेगा, 2 वंस को ज्यादा करना पड़ेगा, वंस जब 8 वंस से ज्यादा रहेगा तभी तो वो 8 वंस माइनस होगा, तो क्या करेगा ये जो टेंस है यहाँ से बोरो लेगा, क्या लेगा बोरो, यानी इसमें से कितना टेंस लिखा है, कितना टेंस है सर, 2 टेंस है, 2 टेंस में से 1 टेंस इधर ले आएगा, 2 टेंस में से 1 टेंस निकल जाएगा बचेगा, 1 टेंस है वो क्या बन जाएगा, 1 में बन जाएगा, और आपको पता है 8 टेंस इक्वल टू 1 टेंस इक्वल टू हाउ मेनी वंस, कितने वंस मिलकर के 1 टेंस बनते हैं,
पढ़ाया गया होगा ना, पढ़ाया गया था आपको, अबेकस से भी सिखाया गया था। हाउ मेनी वंस इज इक्वल टू वन टेंथ, सब लोग बताइए माइक ऑन करके। को भी नहीं हाउ मेनी वंस विल मेक वन टेंथ, एक टेंथ जो है वो कितने वंस के बराबर होता है, जो एक जीरो आपको पता है जीरो कई सारे बच्चे बता रहे हैं जीरो। अब आपको वन टेंथ बेटा अवेकस आपको नहीं अवेकस पढ़ाया गया था, आप लोग इस तरह कैसे भूल जा रहे हैं, आपको पता है ये आपका टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन ये सारे वन है, वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट वन नाइन वन टेन मंथ। अब एकस में आपको क्या था, केवल एक स्टेप में एक टाइम में ऑनली केवल क्या बेटा किसके यहाँ से पूछे, आप अपना माइक बंद करिए प्लीज, और आप माइक मत ऑन करिएगा, मैं आपसे पूछूंगा नहीं ना, मैं आपसे पूछूंगा नहीं बेटा, आप खेलना जितना खेलना चाहो खेल लो, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन अपना माइक प्लीज आप बंद रखना, आपका माइक ऑन हुआ तो मैं बाहर करूंगा आपको। बेटा कहा गया था आपको पता था कि हर अवेकस में कितने, आपको एक टाइम है ये वर्क कॉलम ये हंड्रेड, ये वर्क कॉलम है ये टेंथ कॉलम है ये हंड्रेड, मान लीजिए इफ देयर इज अ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसी तरह टेन आपके बॉल हो जाए, जब आप बॉल टकराते होंगे तो वन टेन टू थ्री फोर ये अरे टेन वन जब हो गया तो आपको टेन से ज्यादा तो रहेगा नहीं, तब क्या करेंगे टेन पूरा कर जाएंगे तो टेन मंथ विल बी इक्वल टू द वन टेंथ। आपको बेटर बनाते समय बताया गया था कि टेन मंथ है, टेन मंथ वो वन टेंथ के बराबर होता है, टेन मंथ इज इक्वल टू वन टेंथ, समझ आया? यस सर, टेन मंथ इज इक्वल टू वन टेंथ बोले, चाहे वन टेंथ इज इक्वल टू टेन मंथ बोले, बात एक ही है ना, वन टेन है अगर वो जो टेन मंथ मिल करके ही वन टेन बन पाएंगे, और अगर वन टेन है तो वो अगर वंस में आएगा तो यही वन टेन, अगर देखिए टेंथ वाला कपड़ा पहनेगा तो सिर्फ वो कहलाएगा वन टेन, अगर वंस के फॉर्म में रहेगा तो कितना वन नहीं वो टेन मंथ होगा। तो जब ये बताइए यहाँ पे जब था तो ये वन टेन था, और जब यहाँ पे आया तो वंस बन गया, तो क्या वन टेन यहाँ पे वन मंथ ही रहेगा, ये तो वंस बन गया ना, जो वन टेन था वही तो वंस बना है, तो वन मंथ जब जो वन टेन था वो वंस बनेगा तो कितना मंथ के बराबर रहेगा बताइए, जो वन टेन है वो जब वंश बनेगा, वन टेन जो है वो किसके जब वंश की जगह पे आएगा तो कितने वंश के बराबर रहेगा बताइए माइक ऑन करके। इसीलिए ध्यान दीजिए जब यहाँ से जाता है तो सिर्फ वन टेन गया, वन टेन गया, क्या गया वन टेन, लेकिन जब यहाँ आ रहा है तो वन टेन बराबर टेन मंथ आ गया, यहाँ पे कितना आया टेन मंथ आ गया। अब आपको पता था ये कितना मंथ था पहले से, यहाँ पे टू मंथ था ना, तो टू मंथ था टेन मंथ और आ गया तो टोटल कितने मंथ हो गए, अब यहाँ पे टोटल कितने मंथ हो गए माइक ऑन। अब मैं नाम तो कोई भी बताइए, जब मैं नाम ना लू तो सभी लोग अपना माइक ऑन करके बताया करें, लेकिन जितना हो वो तो यहाँ पे टेन मंथ आया, टू मंथ पहले से था टेन मंथ आपके पास।